अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहद सलीम और आज सीसीटीवी की दुनिया में जो टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं उसका नाम है सीसीटीवी कंट्रोल रूम। बुनियादी तौर पर ये सीसीटीवी कंट्रोल रूम डिजाइनिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीसीटीवी के हिसाब से। कहीं पे भी आप कोई भी सिक्योरिटी का सिस्टम जो कि कैमरा से ताल्लुक रखता है वो लगाना चाहें तो वहां पे जो बुनियादी चीज होती है वो ये होती है कि इसका कंट्रोल किस जगह पे रखा जाए, इसको सेंट्रलाइज कहां पे किया जाए और कोई ऐसा रूम जहां पे हमें किसी दूसरी आमदोरफ्त भी ना हो और ऐसी जगह पे जो बिल्कुल सिक्योर हो और आम लोगों की वहां पे आमदोरफ्त ना हो वहां पे हम ये सिक्योरिटी सिस्टम लगाया जाता है, वहीं से इसको देखा जाता है और उसपे इसको कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले सीसीटीवी कंट्रोल रूम है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि स्पेसिफाइड रूम यानी कि सेंट्रल स्पेस, एक दरमियानी स्पेस होनी चाहिए और एक खास मखसूस कमरा होना चाहिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम के लिए और जहां पे हमारे ऑल वीडियो सिग्नल, तमाम वीडियो सिग्नल जो कि आपको कैमरा से मौसूल होते हैं उनको मॉनिटर किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग ये बड़े आपसे शेयर कर चुके हैं एमसी डोरी के कॉन्सेप्ट में कि मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग कितनी ज्यादा अहम है और कैमरा से मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही मामला होते हैं। तो जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है उसमें इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। बहरहाल हमारा ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बुनियादी अहमियत का हामिल है सिक्योरिटी सिस्टम में। तो आपसे ये गुजारिश हमारी होगी कि अगर आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आ रहा है तो इसे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कंट्रोल रूम डिजाइनिंग पैरामीटर्स, कंट्रोल रूम डिजाइनिंग पैरामीटर्स हमारे पास फकत 5 है और पूरी दुनिया में यही पैरामीटर्स अप्लाई होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इन पैरामीटर्स पे काम किया जा रहा है और जहां पे भी सिक्योरिटी सिस्टम लग रहा है वो उस पर कंट्रोल रूम की डिजाइनिंग जो है इन्हीं पैरामीटर्स पे अमल करके बनाई जा रही है। तो नंबर 1 जो हमारा है दैट इज सेक्शंस, इसको हमने सेक्शंस का नाम दिया है। सेक्शंस के जैसे कि नाम से ही जाहिर है, सेक्शन का मतलब है हिस्से। तो 3 हिस्से हैं जी हमारे सेक्शंस में। एक है हमारा मॉनिटर, एक है हमारा रिकॉर्डर रिकॉर्ड और एक है हमारा पावर सोर्स। यानी कंट्रोल रूम डिजाइन का जो बुनियादी पैरामीटर ये है कि आप वहां पे जब भी कैमरास को लगाएंगे और उनको सेंट्रलाइज स्पेस पर लेकर आएंगे तो फिर वहां आकर आपको इन 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप उनके सेक्शन बनाएंगे कि आपने मॉनिटर कहाँ लगाना है, मॉनिटर हो गया, LCD होगी या ऐसी डिवाइस जिसपे आपने कैमरास को व्यू करना है। एंड सेकेंडली आपको अपना रिकॉर्डिंग यूनिट कहाँ रखना है, उसको आप कहाँ रखेंगे, उसका सेक्शन एक डिफरेंट होगा। जाहिर सी बात है इसमें हमें ये देखना होता है कि कहाँ पे तार जो हमारी वायर जो ले करती हैं वो प्रॉपरली बाहर से अंदर किस जगह पे आ रही हैं। अगर वायर्ड सिस्टम है तो इसमें इस चीज को देखा जाता है, अगर वायरलेस सिस्टम है तो उसमें भी ये देखा जाता है कि हमारे एंटीनास वगैरह या मॉडर्न्स वगैरह किस स्पेसिंग में पड़े हुए हैं। सेकेंडली हमारा जो है सेकेंड हमारा रिकॉर्डर है एंड थर्ड इज पावर सोर्स। पावर सोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कैमराज को पावर सोर्स भी जनरेट करके देना पड़ता है कंट्रोल रूम से ताकि आपकी सप्लाई इधर से ही कैमरास को जाए आप ऑन कर सकें और यहीं से ही आप अपने कैमरास को ऑफ कर सकें। उसका दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि आपने अगर UPS सप्लाई देनी होती है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई देनी होती है तो वो भी आसान रहती है क्योंकि आप कैमरास को सप्लाईज अपने कंट्रोल रूम से दे रहे होते हैं तो वहीं से आप अपनी सप्लाई का सोर्स चेंज कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो हमारा पैरामीटर है दैट इज टैगिंग। टैगिंग बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आपने फेसबुक में बहुत सुना होगा। टैगिंग का मतलब यही है कि आप किसी तरह उन नंबर्स को एक मखसूस टैग के जरिए, उन वायर्स को एक मखसूस टैग के जरिए नामजद करते हैं, उसमें नंबर्स लगाते हैं। जैसे कि इसमें जो चीजें हम नंबर्स लगाते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग होती है दैट इज केबल। केबल पे नंबर्स लगाए जाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी केबल कौन से कैमरा से निकल के रिकॉर्डर तक आ रही है, इसलिए हम उस केबल पे वो टैग कर देते हैं, नंबर लगा देते हैं। एंड देन DVR पे भी टैगिंग होती है। कंट्रोल रूम में एक से ज्यादा DVR होते हैं, अगर आपका सिस्टम बड़ा है तो ये नंबर ऑफ DVRs बढ़ जाते हैं, उनके साथ उनके माउस या ऑपरेटर्स होते हैं तो जाहिर है कि आपको टैगिंग उन पे भी करते हैं कौन सा रिकॉर्डर जो है उसके साथ कौन सा माउस ऑपरेट हो रहा है। एंड फाइनली उस रिकॉर्डर का आपने जब व्यू देखना होता है, मॉनिटर पे देखना होता है, उनकी तस्वीर देखनी होती है तो आपको पता होना चाहिए किस रिकॉर्डर के साथ कौन सा मॉनिटर अटैच है, तो मॉनिटर्स भी टैगिंग में आ जाते हैं और वैसे भी एक प्रोफेशनल लुक देते हैं। तो कंट्रोल रूम डिजाइनिंग के पैरामीटर में जो दूसरा पैरामीटर है दैट इज टैगिंग एंड थर्ड वन इज स्पेसिंग। स्पेसिंग जैसा कि नाम से जाहिर है कि आपको स्पेस देना, स्पेस आपको किस में देनी है, आपको स्पेस देनी है अपने रिकॉर्डर में और मॉनिटर में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने अपने रिकॉर्डर के ऊपर ही अपना मॉनिटर रख देना है, इससे नुकसान ये होता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं ये गर्म होकर जब हीट होते हैं तो इनमें खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और इसी तरह
जब आप उसके स्क्रीन को ऊपर रख देंगे तो उससे ये होगा कि आपकी हार्ड डिस्क में एरर आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपकी केबल आपस में कंफ्लिक्ट कर देंगी स्पेसिंग ना होने की वजह से, तो ये खदशात आपके दूर हो जाएंगे। एंड फोर्थ वन हमारा जो पैरामीटर है दैट इज वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बहुत आम है जी, किसी भी रूम में आपको पता है कि वेंटिलेशन के बगैर गुजारा इसलिए नहीं है कि हवा का दबाव जो अंदर की तरफ होता है वो एक फास्ट टेम्परेचर तक मूव करता रहता है, ऊपर और नीचे जाता रहता है। तो जब इसमें आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की अपनी पर्सनल हीट भी जनरेट होती है, अपनी हीट उसकी बनती है और उस हीट की वजह से उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर असरात मुरतब होते हैं। अगर वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है और कैमरे की हीट भी रूम की हीट भी उसमें शामिल हो जाती है तो उसे उस इक्विपमेंट के खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस हवाले से इसकी आसान मिसाल आप यूं ले लीजिए कि आप एग्जॉस्ट लगाते हैं बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे रूम में जो ज्यादातर बंद रहते हैं, तो हमारे कंट्रोल रूम में क्योंकि ये इक्विपमेंट 24 घंटे काम करने वाला है, ये ऐसा इक्विपमेंट नहीं कि आप एंटर हुए तो आपने बटन दबाया और उस इक्विपमेंट को ऑन करके अपना काम ले लिया। आपको अपनी मतलूबा जरूरत के बगैर भी उसको 24 घंटे ऑन रखना पड़ता है क्योंकि ये डायरेक्ट सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है। तो सिक्योरिटी वाला इक्विपमेंट 7/24 चलता है, साल में 365 दिन इसका काम होता है, तो इस वजह से आपको उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम जरूर करना होता है। तो कंट्रोल रूम डिजाइनिंग के पैरामीटर में आपको जो चौथी चीज है दैट इज वेंटिलेशन और इसका आपको खास ख्याल रखना है। एंड फाइनली जो हमारे पास लास्ट चीज है दैट इज टेलीफोन। वहां पे आपके पास कोई ना कोई ऐसा सोर्स जरूर होना चाहिए कि जिससे आप फौरन से अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को या दूसरे लोगों को मुतला कर सकें कि अगर उस फैसिलिटी में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी हुई है तो आप उसके बारे में फौरन मुतला कर सकें। ज्यादातर हमारे जो जो कंट्रोल रूम है ये ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स के कमरों में बनाए जाते हैं, उनके रूम में बनाए जाते हैं क्योंकि 24 घंटे वो ड्यूटी पे होते हैं और उनके लिए किसी चीज को मॉनिटर करना गार्ड करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जहां पे आप गार्ड रूम के अलावा कहीं कंट्रोल रूम डिजाइन करते हैं, कहीं और कंट्रोल रूम डिजाइन करते हैं बनाते हैं तो वहां आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो कंट्रोल रूम किसी भी मीडियम के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, वॉकी टॉकी के थ्रू, वायरलेस के थ्रू या टेलीफोन इक्विपमेंट के थ्रू बाहर के साथ कॉन्टेक्ट में हो और किसी भी सूरत में जो कैमरे के सामने आपको एक्टिविटी ऐसी देखें जो नॉर्मल हो, जो इलीगल हो और कोई ऐसी एक्टिविटी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी, आप फौरन उसके बारे में मुतला करें ताकि उस पर फौरन से एक्शन लिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि कंट्रोल रूम डिजाइन के बड़े आसान से 5 पैरामीटर्स से हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में हस्बे आवेद आपको जो है इसको तफसील से समझाने की कोशिश की जाए। स्पीड हमारे हम इसलिए ज़्यादा रखते हैं कि ताकि आपको इंटरेस्ट बाहर रहे, आप ये ना समझें कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन देखें ये बुनियादी चीज़ है। हमारी सीसीटीवी की दुनिया में डिजाइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तरतीब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो तरतीब हमने यहाँ बनाई है आप यकीन कीजिएगा अगर इस तरतीब पे आप कंट्रोल रूम को डिजाइन करेंगे तो आपका कंट्रोल रूम की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। आम कंट्रोल रूम से आपके कैमरा प्रॉपरली वर्किंग करेंगे और आप एक स्पेसिफाइड स्पेस के थ्रू आप टाइमली जो है लोगों के साथ रबते में रहेंगे और एक प्रॉपर सिस्टम बना सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। थैंक यू सो वेरी मच। Love it.